Hello to all. Message from Archangel Michael. My dear child, this is very important message for you. New year. Very great and beautiful vibes are around you. aapko New Year ke, bohut sare blessings from all angels and love bahut sare gifts opportunities are waiting for you in this new year आपको सिर्फ 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 gather करते जाना है analyze करना है क्या सही gift है और क्या भ्रम है इल्यूजन है आपके कॉन्शियसनेस लेवल उतना हाई है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो आपके गिफ्ट्स माय डियर चाइल्ड कुछ एविल फोर्सेस हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप गॉड के गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर पाओ कभी नहीं चाहेंगे कि आप सही रास्ते पर चल पाओ आप अब तक अपने बारे में अपने प्लान्स अपने होने वाले थिंग्स सब कुछ लोगों को बांटते रहे बोलते रहे बताते रहे माय डियर चाइल्ड इविल आइज आपके खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपको पता भी नहीं है कि आपके आसपास जितने लोग हैं, उनमें कहाँ छुपे हुए हैं वो इविल आइज वो इविल फोर्सेस आप अवेयरनेस में नहीं हो हाई कॉन्सियस होने के बाद ही ये सारे अवेयरनेस पता चलता है सो माई डियर चाइल्ड वेरी 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 केयरफुल यू हैव टू बी बिकॉज़ आप अगर अपने बारे में शेयर कर दोगे अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में शेयर कर दोगे आपके डिवाइन गिफ्ट्स के बारे में शेयर कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं इविल फोर्सेस आपको पहुंचने नहीं देते हैं सो बी केयरफुल कुछ भी शेयर करने से पहले अपने आप में एनालाइज करें कि किन लोगों के साथ आप शेयर करने जा रहे हो वो आपको आपके रास्ते से भटकाने के हंड्रेड परसेंट प्रयास करते हैं करते रहेंगे आपको समझना है बहुत क्लोज पार्टनर बहुत करीब के कोई होते हैं जो आपसे अंदर ही अंदर जलसी रखते हैं आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप कंप्लीटली अलाइनमेंट में नहीं आ जाते हो इसलिए माय डियर चाइल्ड बी केयरफुल बी केयरफुल फ्रॉम ऑल दोज फ्रेंड्स ऑल दोज रिलेटिव्स ऑल दोज क्लोज पार्टनर्स बिकॉज यू डोंट नो इविल फोर्सेस हिडन बाय होम एंड वेयर आपको अच्छे से रहना है सबके साथ नॉर्मल रहना है अपना काम करना है सब ठीक है लेकिन अपने बारे में शेयर मत करें, अपने जो वर्क है उसके बारे में शेयर मत करें, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है आप कंप्लीटली चुप हो जाए बोलना बंद कर दे आपको डिवाइन गिफ्ट से भटकाने के लिए उनके फोर्स काफ़ी होते हैं सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल अगले नाइन डेज डिसाइड करेंगे आपके पूरे साल सो नेक्स्ट नाइन डेज आपको बहुत केयरफुली रहना है आप एंजॉय करो पार्टी करो सब करो बट बी केयरफुल अवेयरनेस में रहना है ओके okay? आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है बाकी एनर्जी जो आप अडॉप्ट करते हो जो भी आपके सराउंड में होते हैं वो आपको मैनुपलेट करने की कोशिश करते हैं आपको दूर भटकाने की कोशिश करते हैं डिवाइन पथ से आपको समझ में भी नहीं आएगा उनका मैनुपुलेशन इतने सूक्ष्म स्तर पे होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मार्ट मे बी यू सो बी केयरफुल ऑल दोज इविल फोर्सेस ऑल दोज पीपल जो आपको समझ में आए कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपके ऊपर वो थ्रो कर सकते हैं सो माई चाइल्ड डिवाइन गिफ्ट्स आर ऑलवेज फॉर यू फॉर एवरी वन इक्वली लव ब्लेसिंग्स बट जो अलाइन नहीं हो पाते हैं जो सही तरीके से गॉड के पथ पे नहीं चल पाते हैं उनके लिए ये गिफ्ट्स ये अपॉर्चुनिटीज़ दूर चले जाते हैं तो आपको आपके अंदर भी जो भी नेगेटिविटी जो भी फोर्सेस छुपे हैं उसको बिल्कुल क्लियर करना है बिल्कुल निकालना है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं आपकी एनर्जी बन के तो जब आपके एनर्जी आपको मैनिपुलेट करके दूर भटकाते हैं आपको सारे अपॉर्चुनिटीज से दूर लेके जाते हैं पेन में पीड़ा में ले जाने के हंड्रेड परसेंट प्रयास करते हैं तो सोचिए आपके आसपास के लोगों के भी इविल फोर्सेस क्या कर सकते हैं वो उनको तो भटक नहीं देते हैं आपको भी अच्छा होने नहीं देंगे तो बी केयरफुल अबाउट दिस और बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन करे अवेयरनेस पे रहे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे रहे और अपने आप को क्लीन रखें माइंड को ब्यूटीफुल करे स्ट्रेसलेस बने बिल्कुल स्ट्रेसलेस बने कोई वरीज ना करे कोई पेन तकलीफ जो लास्ट ईयर का पास्ट है जो भी आपके लाइफ का पास्ट है आप ड्रॉप कर दो छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो न्यू गेट न्यू वे न्यू 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 ईयर में एंटर करें विथ न्यू एवरीथिंग विथ न्यू ब्लेसिंग्स विथ न्यू लव विथ न्यू यू सेल्फ लव कोर्स सो यही रिक्वेस्ट है फ्रॉम आर्क एंजल माइकल ऑल एंजल्स के आप अवेरनेस में रहें नेक्स्ट नाइन डेज बहुत ही सिंसियरली रहे एक्शन लें जो भी काम आप कर सकते हैं एक्शन लेने का टाइम है आप एक्शन लोगे एंजल्स डिवाइंस आपके बहुत मदद करेंगे हेल्प करेंगे तो अभी आपका एक्शन लेने का टाइम आ चुके हैं अवेरनेस में रहना है और वह भी जो भी इवल फोर्सेस हैं जो भी आपके आसपास आपको अटैक कर सकते हैं या आपके दोस्त बन के आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं आप उनको दूर रखें उनसे दूर रहें अपने सीक्रेट्स, अपने बातें अपने ब्लेसिंग्स, अपना डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है ये सब आप शेयर ना करें आशा करती हूँ आप सबके न्यू ईयर बहुत सुखद होंगे मंगलमय होंगे थैंक यू सो so मच Love you all. God bless you all.